सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी के हर मोड़ से गुजरना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसी मोड़ पर मंजिल आपका इंतजार कर रही हो। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमारे हाथ में होता है। नाकामयाबी अपनी गलतियां सुधारने और दुगनी ताकत से सफल होने के लिए प्रेरित करती है। आज का पंचांग 2 जुलाई 2020, दिन गुरुवार, अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, दोपहर 3:17 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 1:14 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 2:04 से 3:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:56 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। मीन राशि 2 जुलाई 2020, दिन गुरुवार, कुछ नया रोमांचक और मजेदार करने के लिए समय निकालें। बाहरी रूप में बदलाव से आपको अपनी रचनात्मकता के बारे में बताने का मौका मिलेगा। संबंधों में राजनीतिक करने से आपकी पदोन्नति हो सकती है। बच्चों के साथ समय बिताने से खुशियां और साथ के साथ कुछ रोमांटिक पल मिल सकते हैं। आज कोई ऐसी खबर मिलने की संभावना है जो आपको उत्साहित कर देगी। अनिश्चयता और रहस्य ऊर्जा की तरह है जो आपको बिना किसी कारण के डरा सकते हैं, किंतु इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। भ्रमण का योग बन रहा है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में बार बार असफल हुआ हो वो ही सफल होता है। आज का दिन परिवार में बच्चों के साथ व्यतीत करने का है, साथ ही शॉपिंग में भी समय व्यतीत हो सकता है। आपके व्यक्तित्व संबंधित कोई सकारात्मक बातें लोगों के सामने आएगी। आपको शुभ परिणाम मिलेंगी। आज का दिन फलदायक रहेगा। आपके कुछ पुराने रुके हुए काम बनेंगे। किसी गुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति से बात होगी जो आपका आने वाले समय के लिए मार्गदर्शन करेंगे। आज बच्चों के साथ कुछ समय जरूर बिताएं, उन्हें पढ़ाएं या उनके साथ अपना ज्ञान और अनुभव बांटें। आपकी सलाह से लाभ होगा। आज मेडिटेशन या पूजा पाठ में थोड़ा समय अवश्य बिताएं। सावधानियां, किसी प्रकार की यात्रा करने से बच्चे क्योंकि कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। खास की जलन की वजह से कुछ नजदीकी लोग ही आपका अहितकर करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए सब तरफ से चौकन्ना रहना जरूरी है। लव लाइफ की बात करें तो आपके सितारे बता रहे हैं कि आज के दिन आपके लिए खुशी लेकर आया है। ऐसे में कुछ समय अपने और अपने रूप के लिए भी निकाल सकते हैं। किसी नए संबंध की शुरुआत हो सकती है और विवाह का भी योग बन रहा है। कमजोर महसूस हो सकती है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। रहस्यों और अनिश्चयताओं से ना डरें। अपने प्रेम में जीवन में नए आत्मविश्वास के लिए इनका सामना करें। दोनों के बीच की गलतफहमियों को दूर करके आप जीवन में नए रंगों को भर सकते हैं। कोई मनपसंद उपहार मिलने की भी संभावना है। आज खर्चे एक समस्या का कारण हो सकता है, ध्यान रखें। करियर की बात करें तो दोपहर बाद से काम में कुछ गड़बड़ होना शुरू हो सकती है। साथ ही कामयाबी की खुमारी में आप अपने करियर में कुछ गलत लक्ष्य का चुनाव कर सकते हैं। इसका नकारात्मक असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ सकता है। सेहत की बात करें तो ऊर्जा का स्तर ज्यादा होने की वजह से आप अपना काम एक ही पल में खत्म कर सकते हैं। अध्यात्म की मदद से आप तनाव और भावनात्मक
विकारों से बच सकते हैं। आप थकान भी महसूस कर सकते हैं, इसीलिए सावधान रहें। अच्छा, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा ताकि कोई भी बीमारी आपके पास ना भटके। आज का उपाय, आज आप गरीबों की मदद करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।